नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। घटना बैंगलोर प्रेस क्लब की है, जहां राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों में भाकियों के समर्थक धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर शामली से, दूसरी बिजनौर से, वहीं तीसरी कन्नौज से। यहां पर जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो राकेश टिकैत के समर्थन में ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाकियों के, वो सड़कों पर उतर आए हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीन अलग अलग जिलों की तस्वीरें, शामली, बिजनौर और कन्नौज। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति पर एक्शन लिया जाना चाहिए, साथ ही साथ जेड सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, जेड प्लस सिक्योरिटी राकेश टिकैत को मिले, ताकि ऐसी हिमाकत कोई ना कर सके। तो तीन तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल का ही पूरा मामला है। कल बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ और बवाल मच गया। और अब अलग अलग जिलों में यूपी के प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए तमाम भाकियू कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने और माइक से हमला किए जाने के मामले में भाकियू में आक्रोश है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत को जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराने की मांग की है। इसके अलावा इस तरह की तस्वीरें बिजनौर से भी सामने आ रही हैं, जहां पर भाकियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में धरना दिया। वहीं कर्नाटक सरकार पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सवाली निशान लगाए हैं। साथ ही साथ किसान की मांग है कि राकेश टिकैत को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। तो यानी शामली और बिजनौर से जेड प्लस सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही है राकेश टिकैत के लिए। इसके अलावा कन्नौज की अगर हम बात करें, तो कन्नौज में ही इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसके बाद पूरे देश में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, जो समर्थक है राकेश टिकैत के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राकेश टिकैत पर हमला हुआ, आलस फेंकी गई, माइक मारा गया, उसी के संदर्भ में कल एक पंचायत कसौली के अंदर भी, उसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की मीटिंग के द्वारा एक निर्णय लिया गया। अब पूरे भारत में एक ज्ञापन के माध्यम से गृहमंत्री को, प्रधानमंत्री को, इन्हें सभी को अवगत कराया जा के राकेश टिकैत को जेड सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से टिकैत साहब पे एक सुनियोजित हमला करा गया, उसके संबंध में जो वहाँ की सिक्योरिटी फेल कर हुई है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की बनती है, ये सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों फेल हुई और हमलावर जय मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, जय मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी से उनका क्या संबंध था, क्या हमलावर किसी पार्टी को ये अधिकार दिया जाता कि वो किसी पर व्यक्ति पर भी जानलेवा हमला कर सकता हो। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत कर्नाटक गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ किसी ने उन पर स्याही फेंकी, वो बाइक चलाया है, जानलेवा हमला किया है, तो उसके विरोध में आज देश भर में है, संपूर्ण देश भर में समस्त जितने प्रदेश हमने सबने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा रहा है। सहयोगी दीपक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ मांगे हैं किसान नेताओं की, क्या कुछ कहना है इनका, जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, उससे तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जल्द ये मामला ठंडे होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कर्नाटक के बेंगलोर में जो किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने और माइक मारने का मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन के शामली के दर्जनों कार्यकर्ताओं में दोष व्याप्त है, और जिसके चलते आज जो है दर्जनों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और खास चौधरी जो माने जाते हैं वो शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर किए गए हमले की गौर निंदा की गई है और साथ ही राकेश टिकैत को गैर श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग व उप प्रकरण की गंभीरता की जांच करवाने की मांग की गई है। जी
बिल्कुल, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं दीपक कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई स्याही फेंकी गई है। मतलब ये सवाल है लोगों के कि आखिर राकेश टिकैत क्या दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं शामली जनपद और मुजफ्फरनगर जनपद ही गढ़ माना जाता है भारतीय किसान यूनियन का, और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी भारतीय किसान यूनियन की, और यहाँ के ये नेता माने जाते हैं राकेश टिकैत, जो प्रवक्ता भी है भारतीय किसान यूनियन में। अब अगर वेस्ट यूपी की बात करी जाए तो वेस्ट यूपी में है ना इनका गढ़ माना जाता है, और ये कर्नाटक की घटना, बेंगलोर की घटना हुई है, तो यहाँ काफी रोष व्याप्त है किसानों में भी और भारतीय किसान यूनियन में भी। जी अब आगे क्या मांगे इनके, यूं ही प्रदर्शन चलता रहेगा, धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि एसडीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, आपको बता दूं एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपा गया है शामली कलेक्ट्रेट ने, एसडीएम ने है ना ये ज्ञापन तुरंत रवाना कर दिया है प्रधानमंत्री जी के लिए, और इसमें है ना इसमें इन्होंने है ना निंदा की है कि गौर निंदा करते हैं कि राकेश टिकैत जी में जो सही फेंकी गई है, और इनकी सुरक्षा मुहैया जो है वो डायरेक्शनी में कराई जाएगी और प्रकरण की उचित जांच करवाई जाएगा अधिकारियों से। जी चले ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, ब्रेक लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो तीन अलग अलग जिलों से इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह का धरना जो है लगातार किसान नेताओं द्वारा किया जा रहा है, राकेश टिकैत को लेकर मांग की जा रही है कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का, और ये खबर बदायूं से, जहां बदायूं के उस हेत थाना क्षेत्र में खनन के दौरान एक युवक को जेसीबी का हुड मारने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खनन के दौरान ट्रैक्टर चालक और जेसीबी चालक में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद जेसीबी चालक ने जेसीबी का हुड मारकर युवक की निर्मम हत्या कर दी। तो ये पूरा मामला सामने आया बदायूं से, जहां पर असैया थाना क्षेत्र में खनन हो रहा था, और खनन के दौरान एक युवक को जेसीबी का हुड मारने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मामूली बात हुई जिसको लेकर कहासुनी हो गई, कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जिसके बाद जेसीबी चालक ने जेसीबी का हुड युवक को मार दिया, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं एटा के थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला संतोष नगर में एक नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। पीलीभीत के डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित डिग्री कॉलेज पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने स्कूल कॉलेजेस में जाकर छात्राओं को जागरूक किया और उनको बताया कि सड़क दुर्घटना या फिर छेड़छाड़ होने जैसी घटना होने पर किस नंबर पर फोन करना चाहिए और किस तरह से अपने लिए सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में जमीन का बेनामा कराने आए दो पक्षों में परिसर के अंदर ही मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि मारपीट में एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आई। तो इस मामले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संभल के रजपुरा थाना इलाके में डबल मर्डर होने से सनसनी फैल गई। बता दें कि दो अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की हत्या हुई। जानकारी के अनुसार गंगा किनारे एक साधु ने शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी, तो वहीं एक तरफ गांवा रोड पर सड़क किनारे सो रहे ग्रामीण की भी हत्या कर दी गई है। बता दें कि दोनों घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। श्रावस्ती में हाल ही में बाल श्रम उन्मूलन समिति की बैठक हुई है। बता दें कि बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा विकासखंड इकौना और गिलौला के 10 ग्राम पंचायतों हॉटस्पॉट को बाल श्रम मुक्त किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश और बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभुराम चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे।
गौंडा के पटेल नगर मोहल्ले में बीजेपी के क्षेत्रीय महामंत्री के कार्यालय पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि आधी रात में कुछ कार सवार हमलावरों ने कार्यालय दुकान पर पत्थर बरसा दिए, जिसका पूरा वाक्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके अलावा क्षेत्रीय महामंत्री वंदना गुप्ता और उनके पति को जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके खिलाफ वंदना गुप्ता ने कोतवाली में तहरीर दी, तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देकर आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वीरपुर खुद में रात के समय राह चलते युवक से मोबाइल लूटकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि वारदात में शामिल दो आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल और वारदात में शामिल स्कूटी बरामद की है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र योजना से लाभान्वित लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। उत्तरकाशी में भी गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजनवाल, नगर पालिका अध्यक्ष बड़ाहाट रमेश शेमवाल सहित कई जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग मौजूद रहे। लक्सर पुलिस ने चोरी की लकड़ियों की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को धर दबोचा है। इनके साथ ही आरोपी के पास से 29 नग लकड़ी और वाहन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लक्सर में लंबे समय से हरे पेड़ों का बिना अनुमति के काटकर लकड़ी की तस्करी की जाती है, जिसके खिलाफ लक्सर पुलिस ने अभियान चलाया और अपने मुखबिर तैनात किए। बीती रात मुखबिर ने सूचना दी। सूचना के आधार पर निरंजनपुर गाँव के पास छापेमारी करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को धर दबोचा है। एक डीसीएम ने अवैध शीशम की लकड़ियां बरामद की, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो दो निरंजनपुर के हैं उसमें एक सुल्तानपुर का है। इन लोगों के विरुद्ध बिना अनुमति के काटने के लिए उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।